अगर आप अपना नया किचन डिज़ाइन करने जा रहे हैं या पुराने वाले को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आई एम श्योर एवरी वन नोज कि किचन डिज़ाइनिंग में बहुत सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं और अगर हमें उन चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो वो मिस्टेक्स जो हम कॉमनली करते हैं वो हम नहीं करेंगे और हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। फॉर दोज हु डोंट नो आई एम लाइबा एंड वो सारे मर्द हज़रात जो हमें देख रहे हैं उनको आई एम श्योर कि दे आर अवेयर कि किचन जो है वो एक ऐसी स्पेस है जो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो हमें चाहिए कि हम लोग इन टेक्निकल चीज़ों को मिस ना करें। किचन की कैबिनेट्स या तो वुड में बनती है या MDF में या फिर HDF शीट्स की बनती हैं जिनको सबसे बड़ा ख़तरा दीमक का या सीपेज से होता है, जो कि दीमक या सीपेज अगर ज़्यादा किसी दीवार में हो जाए तो वो दीवार पूरी ख़राब भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कैबिनेट्स बनवाने से पहले टर्माइट प्रूफिंग ज़रूर करवाएं। टर्माइट प्रूफिंग बेसिकली होती है कि एक केमिकल मिलता है, उस केमिकल की हाफ़ बॉटल अगर आप ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हाफ़ बॉटल में आपने 20 लीटर्स पानी डालना है और वो फिर दीवारों के ऊपर स्प्रे होता है। रिकमेंडेड ये होता है, प्रेफरेबल ये होता है कि आप फाउंडेशन स्टेज पर ये स्प्रे करें, लेकिन वो लोग जिन्होंने घर बना लिया है तो वो लोग बाद में भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप फाउंडेशन स्टेज पर करवाएं। उसके अलावा आपने सीपेज, आप ये भी कर सकते हैं, सीपेज की तरफ आते हैं, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप कैबिनेट्स की बैक पर प्लास्टिक की शीट लगा लें तो उससे भी काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। उसके बाद अगर सीपेज की बात करें तो सीपेज के ऊपर हमने एक पूरी डिटेल से वीडियो बनाई थी सीपेज के कॉजेस और सॉल्यूशंस के ऊपर, जिसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर दूंगी। अगर आप उसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो उस लिंक पर प्रेस करके देख सकते हैं। पाकिस्तान में अक्सर पुराने और नए घरों में हम ये मसला बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आपके ड्रेन्स चोक होना शुरू हो जाते हैं और कुछ अरसे बाद ही आपका जो पाइप है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है और जो इंडिविजुअल ड्रेन है उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। एंड वो लोग जो किचन के डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं उनको ये मसला ज़्यादा फेस करने को मिलता है। एंड स्पेशली अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसा है, अगर है कि वो एस्थेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है, तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट की थिकनेस से कम वाला पाइप डाल देता है जिसकी वजह से आपको ये मसले फेस करने को मिलते हैं। सो बेसिकली जो PVC पाइप आपके किचन में ड्रेन को कनेक्ट करता है उसकी थिकनेस 4 इंचेस होनी चाहिए, तो आप ये मेक श्योर कर लें कि इससे कम थिकनेस का पाइप आपके किचन में इस्तेमाल ना हो। थर्ड टेक्निकल चीज़ है चिमनी या एग्जॉस्ट की प्रोविज़न वेंटिलेशन के लिए। हमारे यहाँ अक्सर पुराने घरों में उन स्पेसेस को किचन में तब्दील कर दिया जाता है जिनके पास कोई खुला मैदान नहीं होता या कोई प्रॉपर वेंटिलेशन की स्पेस नहीं होती है, तो इसका नुकसान उस किचन में काम करने वाली ख़वातीन को होता है क्योंकि वहाँ पर धुआं इकट्ठा होने की वजह से उनकी सेहत मुतासर हो सकती है। इसी तरह स्मोक किचन में इकट्ठा होने से आपकी कैबिनेट्स और किचन की दीवारें जल्द काली हो सकती हैं। किचन डिज़ाइन करने का और कंस्ट्रक्ट करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने एग्जॉस्ट की प्रोविज़न ज़रूर छोड़नी होती है, जिससे मेरा कहने का ये मतलब है कि एग्जॉस्ट लगाने की जगह छोड़नी चाहिए। कुछ किचन्स में हुड पाइप के अलावा भी एग्जॉस्ट होता है जो धुएं और कुकिंग की स्मेल को घर से बाहर निकालता है, जबकि कुछ और किचन्स में सिर्फ एक एग्जॉस्ट होता है जो कि हुड पाइप ही होता है। ये सब बताने के बाद मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि एक अच्छे किचन की निशानी यही है कि वहाँ पर एक प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम हो ताकि स्मेल्स आसानी से किचन से बाहर जा सकें। वैसे मेरा मशवरा आपको ये है कि हुड पाइप के एंड पर आप वुड या फॉल सीलिंग मटेरियल या MDF शीट ज़रूर लगवा लें। अब बात करते हैं उन मटेरियल्स की जिनमें आपको मिनिमम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अक्सर किचन डिज़ाइन करते हुए लोग एस्थेटिक्स को माइंड में रखते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कुछ चीज़ें टेक्निकल चीज़ें मिस कर जाते हैं, जैसे कि आप ये नहीं सोच रहे होते कि आपको इस तरह के मटेरियल्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिनकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हो, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएँ और जिनकी आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़े, जिनकी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़े। तो आप इस तरह के मटेरियल्स चूज़ करें जो कि प्रैक्टिकल हों, बहुत जल्दी ख़राब ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और जिनकी आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ना करनी पड़े और क्लीनिंग ना करनी पड़े। नॉर्मली प्योर वुड के किचन बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं, जैसे पानी लगने की वजह से आपका वुड फूल जाता है और आपकी कैबिनेट्स की शेप भी डिसओरियंट हो सकती है। इसी तरह दीमक भी वुडन किचन्स के लिए काफ़ी बुरी साबित हो सकती है। सो यू कैन गो विथ आर्टिफिशियल मटेरियल्स जिनकी गुड टर्माइट रेजिस्टेंस हो,
वाटर रेजिस्टेंस उनकी बहुत अच्छी हो. फॉर एग्जांपल वाटर रेजिस्टेंट HDF शीट्स यूज़ हो सकती हैं जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में. और किसी बुरी क्वालिटी की अगर आप MDF इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है. सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिकल और अच्छे मटीरियल्स को यूज़ करें अपनी किचन की डिज़ाइनिंग के लिए. आप कोरियन मार्बल या ग्रेनाइट मटीरियल्स यूज़ कर सकते हैं सिंस ये बहुत ड्यूरेबल मटीरियल्स हैं स्पेशली फॉर योर काउंटर स्पेस. एंड क्लीनिंग के लिहाज से भी ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं. कोशिश करें कि आप मार्बल ग्रेनाइट किसी ऐसे वेंडर से लगवाएं जो जॉइंटलेस पीसेस में आपको मार्बल या ग्रेनाइट लगा दे. अदरवाइज उनके जॉइंट्स मार्बल स्लैब्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो प्रॉपरली सील होने चाहिए, नहीं तो उनमें गंद बहुत ज़्यादा फंसता है और आपको क्लीनिंग में बाद में बहुत ज़्यादा मसला आता है. अब बात करते हैं मैक्सिमम यूजेज ऑफ स्पेस फॉर काउंटर्स एंड स्टोरेज. तमाम अच्छे किचन्स में एसेसरी सेट्स लाइक टॉल यूनिट्स, स्पाइसेस यानी कि मसालों के लिए रैक्स होने चाहिए, रिवॉल्विंग बास्केट्स होनी चाहिए. हर किचन एसेसरी सेट का एक स्पेसिफिक साइज़ होना चाहिए और वो साइजेस आपने अपने किचन में अकॉर्डिंगली उसकी स्पेस छोड़नी है वो एसेसरीज रखने के लिए. उसके बाद साइजेस की अगर बात करें तो अगर आपका बहुत छोटा किचन है तो आपकी किचन एसेसरीज बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए. सिमिलरली अगर आपका बड़ा किचन है तो आपकी किचन एसेसरीज बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए. किचन का एक सिंपल रूल बताती चलूँ कि जब भी किचन कैबिनेट्स डिज़ाइन कर रहे हो तो किचन की सबसे लंबी वॉल चूज़ करें और मैक्सिमम स्टोरेज शेल्व्स उस पर बनाएं. जिस दीवार पर विंडो है वहाँ ज़्यादा स्टोरेज नहीं आ पाएगी तो आप वहाँ कोशिश करें कि ओपन शेल्व्स दे दें. इसी तरह आपके किचन में ज़्यादा स्टोरेज स्पेस बनेगी. एंड आई एम श्योर कि किसको ज़्यादा स्टोरेज स्पेस पसंद नहीं होती. खवातीन को बहुत शौक होता है कि उनकी किचन में ज़्यादा स्टोरेज स्पेस हो, तो इस तरह से आप अपनी किचन में ज़्यादा स्टोरेज स्पेस निकाल सकते हैं. अब बात करते हैं किचन कैबिनेट्स का टूट जाना. पुराने या कुछ नए किचन्स में भी इवन बहुत ज़्यादा ये मसला आता है कि किचन की हिंजेस टूट जाती हैं जिसकी वजह से उसकी शटर्स अलहदा हो जाती हैं और किचन बहुत ही बुरा लगना शुरू हो जाता है. इसकी बुनियादी वजह बुरे क्वालिटी के हिंजेस लगा लेना है. मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी लगा लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और थोड़े अच्छी क्वालिटी के हिंजेस लगवा लें ताकि बंद और खुलने में कैबिनेट्स अच्छी भी लगें और पायदार भी रहें. अब बात करते हैं किचन अप्लाइंसेस के स्विचेस की प्रोविजन की. कुछ लोगों को किचन में बहुत सी अप्लाइंसेस रखने का शौक होता है जैसे जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंडर. और अगर आपको शौक है तो ऑब्वियसली उनके लिए प्रॉपर स्पेसेस बननी चाहिए ताकि आप वहाँ पर चीज़ें स्टोर कर सकें. आपने ये भी प्रॉपरली प्लान करना है कि कौन सी चीज़ें आपकी ज़्यादा यूज़ होती हैं, कौन सी चीज़ें आपने स्टोर करनी है, तो उस हिसाब से आप प्लान करें उसको. डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स अक्सर किचन में वाक़ होते हैं जहाँ अक्सर किसी अप्लाइंस के जलने के इंसिडेंट्स इसीलिए पेश आते हैं क्योंकि वो अप्लाइंस इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा लोड लेती है और उस वोल्टेज के स्विच में उसका प्लग नहीं लगा होता. इसीलिए घर में कई बार शॉर्ट सर्किटिंग का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है, वायरिंग का इशू आता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है और ये जो टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये ज़रूर आप अपने किचन में इनकॉर्पोरेट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.